हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? शायद घर में रह रहे के बोर भी होंगे, बट थोड़ा सा अभी लॉकडाउन अगर खुल भी जाए, बहुत ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिएगा, नहीं तो घर पे बिजी रहिएगा। मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है, ऑफिस वर्क में इतना कुछ नहीं है, वो एज यूजुअल। बाकी मैं पीछे देख रहे हो शायद, मैं DIY बनाने में बहुत बिजी चल रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो थोड़ी बहुत कैसे टाइम ये करो। आप लोगों के पास फैमिली है, आप लोग बात कर सकते हैं, मेरे पास मम्मी की 3 बार कॉल आ जाती है सफिशियंट, तो अदरवाइज़ मैं ये सब काम में बहुत बिजी चल रही हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ कोई सीरियस टॉपिक पे या कोई कुछ सुनाने नहीं जा रही हूँ। मैं ना कल सोच रही थी किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे याद आया मैं नॉर्मली हेयर रिमूव करने के बाद तो मेरे साथ क्या क्या कुछ इंसिडेंट हुआ, जो मतलब लाइक मैं आप लोगों को भी बताऊँगी तो शायद आप लोगों को भी हंसी आएगा। ये नॉर्मली जिन्होंने हेयर रिमूव किया है उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग सफ़र किए हैं। तो लाइक जैसे मैं हमेशा मेरी ये आदत है कभी भी फ़ोटो खींचते वक्त मेरे बाल को सेट करना, ऐसे करना, ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा, या नहीं तो ऐसे करके मैं हेयर को आगे करती थी, ये वाला अभी भी मेरी आदत रह गई है। अभी कभी मैं अगर फ़ोटो क्लिक करने जा रही हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल, फिर मुझे समझ में आता है मेरे पास तो अभी बाल भी नहीं है ये मेरा पहला है। सेकेंड वाला, जब शावर लेके हम अंदर आते हैं तो टॉवल से रैप करना, तो वो वाला भी मैं तो बहुत बार ऐसे करके आ भी गई हूँ, बाद में मुझे मैंने ये क्यों किया है, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, ये दो हुआ है। और तीसरा वाला, सोने के लिए जब जाते हैं बेड पे हमेशा बाल को, मेरा बहुत ज़्यादा बाल नहीं था बट फिर भी मैं सेट करके साइड में या पीछे थोड़ा सा ऐसे करके सोती थी, वो वाला एक सीन रहा, हमेशा हाथ ऐसे जाते हैं तो बट अरे कुछ है ही नहीं, ये वाला भी होता है। और कहीं जाने के लिए कोम तो लेना पड़ता है, जब लेती हूँ अरे मेरे पास तो बाल ही नहीं है मैं क्या करूँ, ये वाला सिचुएशन होता है। नॉर्मली मैंने हेयर रिमूव करने के बाद इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई ना, कोई टेंशन नहीं है इसको सेव करने का, बट अभी जो मेरा नया हेयर आ रहा है ना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेट आ रहा है, मेरी हेयर इतना स्ट्रेट नहीं थे, मैंने स्ट्रेट स्मूथनिंग करवाई थी, ये सब में मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया था, वेस्ट नहीं एक्चुअली वो मेरा शौक था, तो क्योंकि मैं मेरी हेयर को बहुत प्यार करती थी तो वो मेरा शौक था इसके वजह से मैं करती थी। जस्ट मैंने, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ मतलब मेरी एक्सपीरियंस में अभी हेयर तकलू होने के बाद मेरी जो एक्सपीरियंस है मैंने क्या फेस किया वो जस्ट मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आप लोग भी थोड़ा हंस लीजिए, इस टाइम पे हंसना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी हम लोग इतना सीरियस होकर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्यों ना थोड़ा सा हंसी लिया करो। तो और आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से घर में कुछ ना कुछ करते रहिएगा, बिजी रहिएगा, कुछ बनाइएगा अच्छा सा खाना, तो सब लोग मिलके खाइएगा, मैं तो अकेले ही खा लेती हूँ अच्छे से बना के। तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, टेक केयर गाइस। चलो अगर आप लोगों को ये मेरी वाला जो एक्सपीरियंस है किसी और ने फील किया है या नॉर्मली करेंगे ही ज़रूर, जिसने तक लोग हुआ है वो ज़रूर करेंगे, तो उनका भी क्या है मुझे बताइएगा, और कैसा लगा मेरी वीडियो, और आप लोगों का प्यार थोड़ा ज़्यादा दिया कीजिएगा क्योंकि मेरे ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा और मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, स्टे सेफ स्टे एट होम, टेक केयर गाइस।